भाई सुबह सुबह उठा करो, जिम जाओ, सारा दिन मस्त शरीर एक्टिव रहती है। गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और बज में एक विदाउट सबसे खतरनाक वाले गेम प्ले में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं भी बढ़िया हूँ। हमारे टीममेट लोग भाई इतने ज्यादा लौंडे देख के घबरा गए हैं। होता है भाई, होता है। अगर आप नूब हैं और आप इतने सारे एक साथ लौंडे देख लेते हैं तो आपका ब्रेन कहीं ना कहीं ग्लिच हो ही जाएगा। खैर, जैसे अभी मेरा देखो भाई, मैं दूर से इनफॉलो किया था अपने टीममेट को क्योंकि मुझे पहले पहुंचना था। अब यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये लोग एक स्क्वाड निपटा चुके हैं और अब मैं आया हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ये कौन है भाई? अरे वाह गाइस, एक किल मिल गया तुम्हारे भाई को सवेरे सवेरे। अरे असिस्ट। अबे यार, टीममेट का लौंडा मार दिया भाई। कहाँ मारा? अरे रुको रुको रुको, हाँ मारी। अरे पेल दिया साला, रुक। मार दिया भाई, मार दिया। तुम टेंशन घेऊ ना का। मतलब एक बात तो है यार, तुम्हारे भाई के पास एक से एक कलाएं हैं, एक से एक योग्यताएं हैं। अगर कोई मेरे टीममेट को मारता है तो मेरा खून इतना खोल जाता है कि मैं बदला ले सकता हूँ उससे, अगर वो लौंडा नूब हुआ तो। फिलहाल अभी देखो इतना ज्यादा भाई खटर खुटर हो रहा, हम समझ नहीं पा रहे कौन सा बोट है कौन सा लौंडा है। अब तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा फूक फूक के पाँव रख रहा था भाई, सामने हमको एक ठल लौंडा दिख गया, फिर तुम्हारा भाई खेलने लग गया स्ट्रेटजी के हिसाब से। देखो सामने एक ठल लौंडा गया, उसको लग रहा हमको पता ही नहीं चला। और अब मेरे हेटर्स कहेंगे पता चल भी गया तो क्या कर लेगा सालो। देखो देखो सही से पीछे से कोई बोट टच किया आराम को, मार साले को उसको। तो देखा हमारी परफॉर्मेंस। अब देखो लड़ाई यहीं पे खत्म नहीं होती है, अभी तो मैंने शुरुआत किया, अभी मैंने खेलना शुरू कहा किया है। पहाड़ी पे एक ठो लौंडे को मारा और अब देखो सामने वाले इग्लू से लौंडों के आ रहे थे फुटस्टेप। हमने निकाला बम और वहां भी दे मारा, बम फट गया। फिर देख रहे हो दूसरा निकालना पड़ेगा गाइस। लौंडा भी सेफ है, उसके अंदर खौफ भी नहीं बैठा है। क्यों? क्योंकि वो नीचे था, अब मैंने नीचे कर दिया है तो वो साला ऊपर भाग गया लगता है। खैर पीछे कोई नोटिस से लौंडे को हमने नॉक कर दिया। ओके इसने हमको ताड़ लिया है भाई, ताड़ लिया है। अब समझ नहीं आ रहा इससे बचूं या मारूं साले को। भाग लेता हूं। हाँ भाई कहाँ मारा है? ओ बड़े लंबा पिटे हो यार तुम तो। रुको कुछ करते हम, कुछ अद्भुत से आदमी है तो अद्भुत ही करेंगे। देखा चलो जादूगर कहो हमको। खैर अब तुम्हारा भाई एक वीर योद्धा की तरह अपने पूरी टीम को बचाया और अब बारी थी भाई लौंडों की ठुकाई की। उनकी सुताई सुताई भाई बहुत ज्यादा होता है, कोई बात नहीं रिवाइव कर दो। चलो गाइस अब ना मुझे मेरी शक्तियां दिखानी ही पड़ेगी। चल पापा बोल तुरंत धन से कान पकड़ के उठ बैठ पहले। अब इतना भयंकर क्लच करने के बाद एक इंसान को क्या ही चाहिए भाई, हमको चाहिए थी लूट, हमने कर दिया स्मोक। ऐसा नहीं भाई, दूर से भी अगर कोई देखे तो उसको लगे कि हाँ यहाँ पे प्रो प्लेयर संभाल के खेलना है। अगर तुम बिना स्मोक कोई भी कार्य करते हो तो तुम वो साबित कर देता है कि तुम नूब हो। देखो समाज में दो तरह की गलत फहमियाँ फैली हुई हैं जिससे कि एक आम इंसान उभर नहीं पा रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो अगर तुम्हें लगता है कि ग्राइंड करने से ही इंसान प्रो प्लेयर बनता है तो ऐसा नहीं है। स्मोक करके कार्य किया करो, स्मोक करके रस करो, स्मोक करके लूटो और घूम घाम के इसे जिगल खूब दिया करो, समझ रहे हो। और दूसरा यह है कि आम इंसान कभी ये सोच के पैसे नहीं कमाता कि उससे खुशियां मिलती है। उसको लगता है अमीर इंसान भले पैसे कमा लेता है लेकिन खुशी खुशी नहीं रहती भाई उस पे। ये गलत बात है, ये अमीरों की तरफ से चलाया हुआ कैंपेन है भाई जिसका शिकार तुम लोग हो गए। मेरी मानो, पैसे पुसे कमाओ और फिर मेरे से तुम खुद मेरी UPI मांग के पेमेंट करो। और अकेली अकेली नहीं, मेरे लिए भी मनाओ कि मैं भी हूँ ताकि मैं तुम्हें UPI देने से मना कर दूं। खैर अभी देखो बहुत बड़ी विजय हमने हासिल कर ली थी। अब जो लौंडों को मारे थे वो ससुरे रिकॉल होके आ रहे थे। फिर से वही फंस गया मैं, लेकिन इस बार गाइस मैं इसको मारूंगा। घूमो नहीं, अरे एक जगह बैठो यार, तुम कंफ्यूज कर रहे हो। लो ये मूली कर दिए सीढ़ी पे। ओके तुम मारने दो तब ना, क्या करे सीढ़ी पे बैठा है तो। रुको सब लोग यहीं पे रुको। अबे लपर लपर कर रहा है, दो नंबर पड़ी यार उसको, कहीं पड़ी है। हट हट हट, आ जाओ आ जाओ। ऑल डेड, चुप हो जाओ, सब ठीक है, रिलैक्स होके सब लोग लूट लो। अब देखो इस लड़ाई से भी हमने विजय हासिल कर ली। अब मेन लौंडा था कौन? ये वाला घर वाला भाई, इसके बिना मेरा मैच हो ही नहीं सकता कंप्लीट। इस घर वाला लौंडा हमेशा मुझे खटकता है, आज भी खटका। अब यहाँ देखो मैंने पहले लगाया था अपना धनुष बाण तो पहली बार पड़ा था, दूसरे बार में नॉक कर दिया।
भाई 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 क्या मारा यार मैंने, मेरे को हैकर वकुर ना बोल दिए कहीं। नहीं ऊपर टॉप पे है यार, टॉप पे है। सबसे ऊपर है। मैं आगे जा रहा हूँ। अरे मौली यार, मौली मौली हटे ओए। अरे साले कहाँ पे है, आ जाओ संभल के आना, किल नहीं चुराना। बस बस हो गया यही था। अब देखो हम यहाँ से लूटपाट करके सबको मार धाड़ करके 10 किल के साथ यहाँ से प्रस्थान करते हैं। अब जैसे यहाँ से निकले फिर देखो भाई पीछे लौंडे नए नए रिकॉल होके आ रहे हैं, और एक ने भाई हमको भरपूर चटकाया, थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो भी पूरी। अबे रोको बे, अबे मरवा दोगे, अबे ऊपर में ऊपर। भाई वो एक नंबर का जाहिल आदमी गाड़ी चला रहा, कसम से यार। होता है भाई जब तुम साइकिल चला रहे हो बहुत दिन सालों से घिस रहे हो, और फिर एक दिन तुम्हारे हाथ बाइक लग जाए, फिर तुम उसको इस तरह से भगाओगे, इस तरह से भगाओगे जैसे वो गाड़ी चोरी की हो। खैर रिकॉल होके हर इंसान की तरह हम भी यहीं आ गए, क्योंकि भाई हमको हमारी जान ज्यादा हमारा माल प्यारा है। देखो हमने यहाँ भी स्मोक कर रखा है क्योंकि भाई प्रो प्लेयर है ना। खैर फिर से यहाँ निकले, और इस बार फिर से वही वाला अड़बैल गाड़ी चला रहा था। इनको भाई सब सीधी रोड दिखती ही नहीं है, लेकिन भाई मजा आ रहा इधर। अरे यार धत्तेरी का अटका दिया। खैर उधर से निकल के आते हैं इधर। इधर भाई साहब एक लौंडा मिलता है हमको, और उसके साथ जो हमने अपनी परफॉर्मेंस दी, देखा कैसे टिन से भाई, जैसे टिन मचता है ना ऐसा सेटिस्फेक्शन से फील आता है भाई। इतना सेटिस्फेक्शन ना कभी तुम्हारा पैसा ब्याज सही से अगर वापस आए तो भी नहीं आएगा। आई थिंक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कभी मिला नहीं, तो वो वाली फीलिंग पता ही नहीं। मैं इसी में सेटिस्फाइड रहता हूँ भाई। और फिर हम आते हैं इधर। इधर चलती गाड़ी से भाई एक लौंडे नॉक कर दिए। क्या बात, क्या मार रहा हूँ आजकल अपना नहीं है गाइस। खैर यहाँ हमने नॉक किया, और एक भारी प्लेयर का प्रभाव डालने के लिए हमने एक नेट निकाला और सामने वाले कोठरी में बिना किसी कैलकुलेशन के दे मारा। अबे बंदे बचाओ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों का महान उपकार है हम पर, जान पर खेल के लौंडों को पेल के आपने हमको बचाया। ये देश सदा आप सभी लोगों का आभारी रहेगा। एक बार बस मेरी सरकार आ जान दो, फिर जवेल भाई के शासन में माल नहीं नहीं पैसा बटेगा राशन में। लेकिन ऐसे यार गाइस पैसा बांट देंगे तो देश के लिए अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन कुछ करेंगे कुछ तो। मतलब एटलीस्ट भाई बीजीएमआई को तो बार बार बैन नहीं होने दूंगा, एक बार परमानेंट बैन करके छोड़ दूंगा। मजाक, जस्ट मजाक भाई, अपने रोजी रोटी पे थोड़ी कोई लात मारेगा। अब तुम कहाँ चटका रहे हो यार, हम यहाँ गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे हैं। चलो खैर अब हम आते हैं यहाँ पर। तुम्हें याद है अभी इधर से जाते वक्त मैंने चलती गाड़ी से एक लौंडा मार दिया था, याद है, हेड मारा था। खैर यहाँ पे हमको फिर से गाड़ी दिखती है। अब हमें लगी थी भाई आदत चलती गाड़ी से मारने का, मतलब बहुत बुरी आदत लग गई है गाइस। रुको 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 रुको, अरे बस ऑल डेड। अब यहाँ पे इनको मारने के बाद देख रहे इधर से कोई लौंडा गर्मी गर्मा दिखा रहा था भाई। हाँ अब बताओ कहाँ पे भाई, ऊंचे पे आ जाने के बाद स्पॉट करना बहुत इजी रहता है। अबे यार शिट, मैं गाइस थोड़ा उल्टा पिक कर दिया। अरे ये नॉक कैसे नहीं हुआ, ऑल डेड। अपना नहीं है अपन भाई, ऐसे ही खेल रहे। तुम लोग को पता है एक बार तुम्हारे भाई ने स्काउट भाई से खड़ा पंगा ले लिया था, लेकिन उसमें हार गया था। बट भाई वो फेक वाला था, रियल वाला होता तो मैं वो डालता ही नहीं। खैर सामने छतरी पे लौंडे देख लिए होंगे, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं भाई, इधर साइड रोड पे भी कोई लौंडा दिख रहा हमको। अरे ये साला लेटा है भाई, पोजीशन लिए हरामी, लेकिन इनको कद्दू नहीं पता आजकल हम चलती गाड़ी से लौंडा मार रहे हैं, ये तो साला लेटा ही है। खैर दूर से कोई लौंडा भाई बदतमीजी पे उतर आया है भाई। ये साले कहाँ कहाँ से आ रहे हैं इधर भाई, मुझे लग रहा कोई नाइजेरियन बैठ के इनको सप्लाई कर रहा भाई। तुम एक बार देखो ना जो ऊपर से जितने बार प्लेन जाता है ऐसे थोड़ी कि खाली जाता होगा भाई, हमेशा कोई ना कोई भाई सप्लाई करके जाते होंगे, ये फेरे थोड़ी ले रहे प्लेन। खैर इधर कोई चटका रहा था, तुम भी यार ऐसा जगह मार्क करो। ये भी देखो ना अगले आदमी पे M4 एडलबम थोड़ी है, तुम पे यार एडलबम है, तुम चटकाओ यहाँ से। गाइज मैं जा रहा हूँ क्लोज रेंज। अच्छा ये भी जा रहे हैं, रुको रुको रुको, अकेले मारे जाओगे मैं बता रहा हूँ। अगर भाई देखो अगर तुम्हें कोई भी लड़ाई जीतनी है ना, तो तुम्हारे स्क्वाड में एक मेरे जैसा बलवान महापुरुष इंसान चाहिए ही होगा। खैर इसको देखो,
यह ऐसा झाड़ में घुसा जा रहा जैसे हम इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए पकड़ने आए थे। अबे मार नहीं तो आए थे, ज्यादा ज्यादा क्या कर लेंगे, मार ही देंगे और क्या। खैर दूर से हमारे टीममेट को किसी ने बबर दिया और अब ससुरा कोई रस कर दिया। हमको जिम्मेदारी दी गई है कवर के लिए, हमें बचाना पड़ेगा। क्या ओए अंदर घुस जाओ, अंदर घुस जाओ सब लोग, मैं देख रहा हूँ इसको। बाहर निकल साले। एक और आ गया। अरे ये कहाँ से आ रहे भाई, स्टॉक में आ रहे क्या ये सब। अबे हराम खोर कौन है बे। अबे हाय 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 हाय। अबे बस देख रहे ऐसे गाइस, ऐसे सिचुएशन का हैंडल किया जाता है, तुम होते तो भाई अब तक मर जाते। खैर नो डाउट बहुत ही जिम्मेदारी से मैंने यहाँ पे कार्यभार संभाला, और फिर एक जिम्मेदारी मेरे पे थी कि इसको फिनिश कर दूं, क्योंकि इसकी साले की गन दोबारा अगर रिलोड हुई तो हम लोडिंग स्क्रीन से सीधा बाहर। और ये वाला तो था ही चटर बुद्धू। और इसके साथ भाई तुम्हारा भाई फिर से यहाँ पर एक और विजय हासिल करता है। अब देखो भाई अच्छे खासे किल निकल रहे थे, वी गाइस आर वेरी क्लोज टू किचन डिनर। अब भाई साहब मैं यहाँ पे एक चुतिया हरगिज नहीं करना चाह रहा था, वो DBS वाले को लेके। मैंने एक चीज अपने मन में ठान लिया था कि माँ की आंख DBS चैलेंज की, मैं उस लौंडे को अभी जाके ब्लॉक कर दूंगा। और ये भी ठाना अगर आने वाले समय में किसी ने इसके खिलाफ अगर बगावत करने की कोशिश की तो उसको पकड़ के जीवन भर मुर्गा बनवा के रखूंगा। खैर अब हम वहां से फिर से गाड़ी लेके निकलते हैं, आते हैं इधर साइड। हमारे हो चुके थे 19 किल, हमारा मकसद बन चुका था कम से कम 25 किल तो कर ही लो, क्योंकि भाई अभी भी लौंडे कम से कम 12-13 तो थे ही। अब अच्छे किल करने थे तो भाई हमने एक एक करके अलग अलग जिम्मेदारी संभाली, सब लोग अलग अलग क्षेत्र में निकल गए लौंडे ढूंढने। हमारा सोचना यही था, लेकिन ये ससुरे हमारे पीछे टहलते रहे। और थोड़ी देर बाद हमारे हाथ में एक तो लौंडा लगा। बस भाई थोड़ा देर में डर गया था ये लोग पेलने जा रहे क्या। भाई इन सब चीजों से बचने के लिए इसलिए मुझे जवान पे कुछ मीठी बोल रखने होते हैं माँ बहन की, मतलब मम्मी कसम दे देता हूँ। खैर अब देखो भाई साहब इन लोगों ने किसी और को अपना निशाना बनाया हुआ था। भाई लेफ्ट साइड से कोई दूर से DB चला रहा, मैं जा रहा हूँ वहां रस करने, कवर देना मुझे। हाँ हाँ एक एक लोग आ जाओ यार। ओए ओ तीन चार लौंडे भाई, ये तो माँ कसम गाइस एक मिनट, चार बंदे भी गए होंगे। डैमेज करा है इसको मैंने, रुको एक का भांडा फूट रहा। अरे एक नॉक, वाह अरे नहीं तुमने नॉक किया क्या भाई। यार मैं भी तो वही मार रहा हूँ यार, ये तुम अलग से टोट का करके मार रहे हो क्या भाई। नीचे कूद गया, ये आउट ऑफ सिलेबस क्यों जा रहा भाई इसकी माँ का। उसको धरो, उसको धरो, उसका तो किल चाहिए भाई। एक भी किल नहीं निकल। फाइनली भाई काफी डेडिकेशन से हमने उसको ढूंढा और हमारे हाथ से चढ़ गया वो। अगर पेशेंस से बैठा रहता तो एक को तो खा ही जाता, लेकिन भाई पेशेंस विच इज नहीं होती सब पे। अब बात थी भाई DP वाले को दबोचने की, मतलब इनको लग रहा था भाई ये DP चला रहे थे, ये मॉर्टल बन गए हैं। खैर कोई किसी को दौड़ा लिया था, अरे बच गया वो भी। ओके ओके ये वाले को धर सकता हूँ मैं, प्लीज इग्नोर द डार्क साइड ऑफ माई गेम प्ले। अब भाई साहब देखो इसको रंगने के ना एक तरीका था हम पे, समझ गए हो गए यार अब तो। अबे एक ही खाया भाई, भाई चीटिंग है यार, ये गलत बात है यार। तहत तरीके एक ही तो सोर्स था इसको मारने का, वो भी साला बच गया। अब हमने कहा यार ये वाला लौंडा हमारे साथ ऐसे बदतमीजी करता रहेगा, हम इस DP वाले को धरते हैं। अब ये भाई साहब लगता है गाड़ी लेकर निकलने की तैयारी में है। अरे हाँ अरे उतर बे उतर उतर, अरे साला रिकॉर्ड खराब कर, मेरा ही रिकॉर्ड खराब कर रहा मुझसे। कहाँ मारा मारी कर, किसको मारना यार। अरे तुम्हारे निशाने पे है क्या, रुको 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 मैं आ रहा हूँ फिर। ओके ऊपर है, हाँ रुको रुको इजिली आई कैन हैंडल हिम, रुको रुको ड्रिल मशीन लगाने दो ना। ठीक और लकी बेटा, पापा बोल पापा तुरंत। 22 किल हो गए गाइस, मात्र 3 किल चाहिए और 3 लौंडे बचे हैं। ओके okay.
वाह भाई, 1 मिनट, कहाँ पे एंगल मिल रहा है भाई? फर्जी में बता रहे हो तुम? अबे रुक पे यार, ड्रिल मशीन लगा रहा था, तेरी बहन को मार दी। यहाँ अगला आदमी भाई 25 किल के सपने गढ़ रहा था, उस अधूरा मार दी भाई हमको। एक लौंडा मारो भाई उसको, मारो साले को, चुन के मारो, दौड़ा के मारो, दोबारा लाश ना मिले उसकी। मैं कह रहा ऐसी मार मार दो दोबारा, मतलब ऐसे खेलने से घबराए, मतलब कोई उसके कान में कभी बजमियाई बोल देना तो उसको ऐसे फीलिंग आए जैसे एग्जाम बोल दिया किसी ने कान पे। खैर कोई बात नहीं गाइज, हमारे भाई साहब को यार एडल बॉम्ब मिले थे काफ़ी पहले, लेकिन यार इन्होंने ज़्यादा किल नहीं किया क्योंकि योग्यता नहीं थी ना इन पे। अभी अगर इनके जगह हम होते तो हमारी बात अलग होती। खैर गाइज यार, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड गाइज यार, आज की हम ज्ञान की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत का काफ़ी बड़ा भूभाग एक इंस्टाग्राम रील्स की तरफ आकर्षित हो रहा है, जो कि हमारे भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो तुम मेरा शॉर्ट्स एंड लॉन्ग देखा करो, वो हमारे करियर के लिए बहुत अच्छा है। तो इसी के साथ अपना गेम प्ले भी होता है ठाए ठाए फिस। और गाइज मुझे लग रहा है मुझे कॉन्करर करना ही पड़ेगा, मजबूरी आ गई है गाइस, इतना ज़्यादा क्लोज आए।